Hey guys, welcome back to our new vlog. So hope आप सब ठीक हो, अच्छे हो, सब अच्छा है, सब स्वस्थ हो, मस्त हो. तो आज है एक नई दिन की शुरुआत. और आज का दिन ऐसे था कि आज है ना, मैं बहुत दिनों से घर पे बैठे बैठे बोर हो रही हूँ क्योंकि अभी मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ. और वैसे तो ऑफिस का काम कर रही हूँ पर ऑफिस नहीं जा रही हूँ मैं, तो उससे है ना घर के बाहर नहीं जा रही हूँ, तो उससे बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है यार घर पे बैठ बैठ के. तो इसलिए आज हमने सोचा हम थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं. तो हम निकले हैं आज घूमने के लिए. तो कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं आज मूवी देखने. तो पापा आज हमें मूवी दिखाने लेके जा रहे हैं. क्या, कौन सी मूवी? कल की देखने जा रहे हैं हम, अमिताभ बच्चन की नई मूवी. तो उसका रिव्यू देखा, अच्छा है, होपफुली मूवी अच्छी रहेगी. तो इसलिए हम जा रहे हैं. तो अभी हमने मूवी तो बुक किया है, कितने बजे का? 3:40 3:25 को पहुंचेंगे. मूवी स्टार्ट हो गया, यही तो देर से बोल रहा हूँ. तुमने टाइम तो बताया ही नहीं मुझे. मुझे तो मूवी 3:50 की सोच के चल रही हूँ मैं. हे भगवान, मुझे तो लगा मूवी 3:40, 45, 50 कुछ का है और हम आराम से निकले घर से. तो अब हम हो गए बहुत लेट, मतलब अभी 3:30 हो गया है तो मूवी तो स्टार्ट हो गई है. ओके, तो अब हमें लगेगा और 10 मिनट मूवी हॉल पहुंचने के लिए. तो होपफुली हम मूवी का ज्यादा कुछ मिस नहीं करेंगे क्योंकि जनरली होता है ना स्टार्टिंग में मूवी का कुछ चलते रहता है, एड्स वगैरह. तो होपफुली हम ज्यादा कुछ मिस करेंगे नहीं, हम पहुंच जाएंगे. तो अभी और 10 मिनट लगना है हमें पहुंचने के लिए. तो चलो पहुंचते हैं मूवी हॉल और देखते हैं मूवी कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है, फिर बताते हैं आप लोगों को. तो अब पहुंचेंगे तो उसके बाद तो पॉपकॉर्न तो उस टाइम पे खरीद नहीं सकते, तो पहले अंदर जाएंगे फिर आके पॉपकॉर्न लेंगे या तो ऑर्डर करके अंदर चले जाएंगे, वो सीट पे पहुंचा देंगे. तो चलो पहुंचते हैं मूवी हॉल और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ. तो फ्रेंड्स, हम पहुंच तो गए हैं पर हम है ना बहुत लेट पहुंचे हैं. 2:40 हो गया है, 45 हो गया है, 3:45 3:45 हो गया है, हम पहुँचे हैं अभी. क्योंकि ट्रैफिक मिला था हमें और उसके ऊपर यहाँ के पार्किंग की इशू भी, पार्किंग के लिए भी दिक्कत था थोड़ा सा. थर्ड में है आई थिंक. तो चलो अब somehow हमने पार्किंग तो मिल गया है हमें, अब पहुँचते हैं ऊपर, घुसे हैं मूवी हॉल पहले. तो भैया हम बहुत लेट हो गए हैं, हम भाग भाग के जा रहे हैं अभी. इधर हमने हनुमान देखे. कौन से ऑडी में है? ऑडी नंबर 3. तो ये 3D मूवी है तो हमें 3D वाला चश्मा मिल गया है. अब चलते हैं मूवी हॉल के अंदर. तो गाइस हम मूवी देख रहे हैं और मूवी के बीच में है ना इंटरवल हुआ है और ये पिछले हम 20 मिनट हो गया होगा हम बस एड ही एड देखे जा रहे हैं. तब से मूवी रीस्टार्ट हो ही नहीं रहा है यार. इस मॉल में तो कुछ भी नहीं है, खाली है सारा. अथर मूवी कैसी लगी? बहुत ही पापा मूवी कैसी लगी? ठीक है. तो गाइस हम मूवी देख के निकल गए हैं और मूवी अच्छा था, ठीक था, मतलब बहुत एडवांस लेवल का एनिमेशन टाइप चीजें थे. बहुत सारे गैजेट्स टाइप के थे. तो पुराने जमाने में जो युद्ध करते थे उसमें जो वेपन्स यूज करते थे वो सारे एडवांस लेवल के वेपन्स थे इसमें. मतलब यहाँ पे भी युद्ध था और उसमें जो वेपन्स जो भी तो वो सारे बहुत एडवांस लेवल के एकदम गैजेट्स टाइप के चीजें थे. तो जो लोग गैजेट्स फ्रीक है उनके लिए बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है ये मूवी. बट ठीक है अच्छा है, नॉट बैड, नाइस मूवी. पर आई थिंक उसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है क्योंकि इनकम्प्लीट मूवी था वो. तो मूवी आई मीन ओवरऑल ठीक था. कैसा लगा अथर्व आपको? अथर्व को अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं लगा, ठीक लगा अथर्व को. तो हम निकल गए हैं अभी तो मूवी देख के. आप सोच रहे हैं कि कहाँ जाए, या तो घर जाए या तो कहाँ जाए, क्योंकि अथर्व का समर ब्रेक हो गया है खत्म. अब मंडे से अथर्व को जाना है स्कूल. तो अब सोच रहे हैं कि 1-2 दिन उसको अथर्व को थोड़ा सा घुमा ले हम, ताकि वो मंडे से फ्रेश माइंड से
स्कूल जाए फिर। आज तो डायनासोर हिल रहा है, हाय, आवाज भी कर रहा है अथर्व, ये तो टच करना मना है, ये वाला देखो, ये तो देख रहा है अथर्व हमें। ओए ये फोटो के लिए पोज दे रहा है क्या, ये बीच बीच में रुक के खा ले अथर्व को, खा ले अथर्व गुस्से में, खा ले अथर्व को, नहीं अथर्व का टेस्ट खराब है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, लवि शंकर अथर्व को नहीं खाना। ये वो कॉस्ट्यूम पहन के घूमते नहीं है आज तो, घूम घाम के फ्रेंड्स हम फाइनली आके वापस मॉल ऑफ फरीदाबाद आ गए हैं और यहाँ पे अब हम घूम रहे हैं क्योंकि और कहीं जाने का मन नहीं था, अथर्व को यहीं पे आना था तो हम वापस अथर्व को यहीं पे लेके आ गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करता है अथर्व, उसको खाना भी है, उसको गेमिंग जोन भी जाना है, पर गेमिंग जोन आज लेके नहीं जाऊँगी मैं, देखते हैं कल जाना है तो चले जाएंगे, पर आज नहीं लेके जाऊँगी यार। और हाँ देखते हैं, अब हम आए हैं यूनिक्लो, देखते हैं थोड़ा सा इधर विंडो शॉपिंग करते हैं और फिर खाते हैं कुछ और फिर घर चले जाएंगे। चलो यहाँ से चल लो दूसरी तरफ, गैप भी जा सकते हैं हम, गैप में भी सेल चल रहा है तो यहाँ पे देखो हर जगह पे सेल चल रहा है भाई, लाइफस्टाइल में भी सेल है, गैप में भी सेल है, हर जगह पे सेल है, सेल सेल सेल, शॉपिंग करा दो यार लाइफस्टाइल से, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करवाता है। तो अब हम आए हैं स्केचेस, क्योंकि अथर्व को काफी दिनों से स्केचेस के शूज चाहिए थे तो हम देखने आए हैं, अगर अथर्व के साइज का मिला, ठीक ठाक मिला तो ले लेंगे। तो यहाँ स्केचेस पे सेल है अप टू 40% ऑफ 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 ऑफ। तो गाइस मैंने एक छोटा सा शॉपिंग कर लिया है, अब हम आए हैं लिवाइस शॉपिंग करने के लिए और ये ट्रायल पे ट्रायल करे जा रहे हैं, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, हाँ तब हम लिवाइस आए हैं, लविश कुछ टी शर्ट्स ट्राई कर रहा है और अथर्व को स्केचेस से शूज नहीं मिले तो अथर्व गुस्सा है, अथर्व गुस्सा, सर एक छोटा साइज ही होगा, उसको अच्छा नहीं लगा वो अच्छा। दिला देगी मम्मा, डोंट वरी, रो क्यों रहे हो, रोन दो बच्चे, रोने वाली क्या बात है, अब आपके शूज नहीं मिले ये मेरी गलती थोड़ी है, वे इनका टीवी का साइज है, ये टीवी का स्क्रीन साइज कितना होगा गैस करो, नहीं ये वाला कितना होगा, ओ भाई साहब ये तो स्क्रीन कितना बड़ा सा है बताओ, क्रिकेट है क्या आज, क्रिकेट भी हाँ। पापा ने कर लिया मिले, हाँ? क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहा है, विराट कोहली ये कैसे खेल रहे हैं, ये मेरे टीम वाले कैसे खेल रहे हैं, मैंने ऐसे ट्रेनिंग तो नहीं दिया था, मैंने तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिया था, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली ये सोचेंगे अगर आज पर मैच हो तो शायद ऑडियंस रोहित शर्मा लविश फाइनली शॉपिंग करके आया, इतने सारे टी शर्ट ट्राई कर लिया करके फाइनली 4-5 टी शर्ट फाइनल किया और आया, थैंक यू। बाहर का देखना था, बाहर में कभी देख ही नहीं पाती हूँ, चलो खाओ, क्या खाने जा रहे हो, मैकडी जा रहे हैं ना, ये कहाँ से सीखा आपने, लेकिन मेरे पास सिस्टम भी नहीं है, पढ़ूंगा कैसे, कहाँ से सीखा है आपने ये, एल्विश वाइस है, एल्विश भैया। तो आज हम जा रहे हैं ये यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस, सो यहाँ हम आए नहीं थे, ये नया खोला है फरीदाबाद में, मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, तो आज हम जा रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं, आ जाओ अथर्व यहाँ कुछ खा लेते हैं ना, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है आपको, हाँ अंदर है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा वाइब्स है, एक तो पुराना म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे और इनका मेन्यू देखोगे ना, मेन्यू ना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मेन्यू है, तो मेन्यू में देखो कैसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, कहाँ है ये है देखो, यूरोपियन कनेक्शंस,
एंड फिर ये है द ओल्ड दिल्ली स्ट्रेक, द कलकत्ता इफेक्ट. तो ये अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग नाम दे के रखा है उन्होंने. हाँ, जामा मस्जिद का तवा, बिरयानी है खास, कुलचा, कलकत्ता काठी रोल, ये ट्रेडिशनल बेक्स. तो बहुत अच्छा सा इन्होंने ना अपने मेन्यू में काफ़ी अच्छा सा काम किया है. मतलब बहुत प्यारा सा मेन्यू बनाया है इन लोगों ने. यहाँ पे इंडियन स्ट्रीट फूड भी है जिसमें पकौड़े, पंजाबी समोसा, चाट, चाट जार, बनारसी पालक क्या है, पत्ते की चाट. भाई ये आ गया अथर का शेक और पिज़्ज़ा, यम्मी पिज़्ज़ा. अथर बैठ जाओ आराम से. इनका देखो पिज़्ज़ा का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है यार, कितना यम्मी लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है उन्होंने. खा के देखते हैं कैसा है. कैसा है अथर, गुड? हाँ, पिज़्ज़ा देख के भी बहुत यम्मी सा लग रहा है उन्होंने. तो भाई इनका प्रेजेंटेशन है ना बहुत अच्छा है. तो देखो ये इन्होंने सब्ज़ी कैसे एक बॉक्स के अंदर प्रेजेंट किया, वो डाल के दिया है, तो बहुत अच्छा सा है. तो बहुत प्रेजेंटेशन के लिए तो भाई मतलब 10/10. तो गाइस ये देखो, ये हमने ना चाहते हुए भी हमने बहुत अच्छा शॉपिंग कर लिया है. और ये देखो हमने ना कुछ चीज़ें DIY से ख़रीदा है और उन्होंने इतना अच्छा सा बैग दिया है हमें जो रीयूजेबल बैग है. तो अच्छा लगा मुझे देख के. हाँ बताऊँ क्या? तो ये देखो गाइस, अब है ना मॉल ऑफ फरीदाबाद में बाहर भी ये छोटे छोटे से स्टोर्स लगे हुए हैं जिनमें कपड़े हैं छोटे छोटे, बड़े बड़े. आगे से ध्यान दो, एक्सेसरीज है. हाँ तो ये देखो खुद छोटे छोटे काफी सारे शॉप्स हैं और सब में कपड़े वगैरह है. तो अच्छे हैं कपड़े वगैरह, काफी अच्छे हैं क्वालिटी वाइज. चलो भाई, क्या घूमते नहीं हो ना तुम लोग, जहाँ पे भी जाते हो खर्चा करवाते हो यार. पैर छुओ, मेरे पैर छुओ तो मैं जाऊंगी. अथर मेरे पैर पकड़ो फिर मैं जाऊंगी. पर बंद हो गया, सॉरी. हमें यहाँ जूडियो आना चाहिए एक बार. जूडियो ना, पता नहीं सेम कलेक्शन है या डिफरेंट है, देखने आएंगे एक बार. तो गाइस अब पार्किंग में आ गए हैं हम, गाड़ी ढूंढते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और घर पहुंचते हैं. तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में. तब तक के लिए जो लोग नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाना. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. सो सी यू सून इन अ न्यू ब्लॉग. तब तक के लिए